बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 31। और लेक्चर नंबर 31 जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू डायरेक्ट पैसिव वॉइस। तो इस टेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो हैं हैज़ बीन, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ही, शीट और अली के साथ होगा इस्तेमाल, और हैव बीन जो कि आई, यू, वी, दे और एनी टू नेम्स या मोर देन टू नेम्स के साथ इस्तेमाल होगा। ये इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने याद रखने हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में जो चेंजिंग होती है वो तकरीबन हेल्पिंग वर्ब्स की होती है, बाकी जो फार्मूला इसका होता है वो तकरीबन सब में सेम होता है, आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने आपको बताया था। और डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हुए भी, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते हुए भी हमने देखा था कि जो चेंजिंग होती है वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब्स की होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो आपने याद रखने हैं, और इसका फार्मूला आपके सामने है। ऑब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ बीन आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव बीन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, पीछे हम पढ़कर आए हैं, ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल्स देखें। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे इतला दी गई है या दी गई है या दी जा चुकी है, ठीक है, क्योंकि काम इसमें कंप्लीट हो चुका है तो इस वजह से हम इसको परफेक्ट टेंस भी कह रहे हैं मगर पैसिव वॉइस में, डायरेक्ट पैसिव वॉइस में। नेगेटिव करेंगे तो आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैव आई बीन इन्फॉर्म्ड, हैव आई नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में है, ठीक है। तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आखिर में। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल देखें। आगे एग्जाम्पल है, मिक्स में मैंने दिए दिए आपको। ही हैज़ बीन थ्रेटन्ड, उसको धमकी दी गई है। शी हैज़ नॉट बीन इनरोल्ड, उसका नाम नहीं इनरोल किया गया है। हैव दे बीन इनवाइटेड, क्या उनको दावत दी गई है। हैव वी नॉट बीन कॉल्ड, क्या हमें नहीं बुलाया गया है। अली हैज़ बीन इंक्लूडेड, अली को शामिल किया गया है। वी हैव बीन अनॉयड, हमें तंग किया गया है। इट हैज़ बीन अनाउंस्ड, ये अनाउंस किया गया है, ठीक है। अब ये बिल्कुल एन उस फार्मूला के मुताबिक इसके सेंटेंसेस हमने बनाए जो हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारे पास हैज़ बीन एंड हैव बीन थे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी। तो ये था हमारा डायरेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है जी। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, एज़ यूजुअल काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। दोनों का नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली चरवार, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।